Guys, yaar, सुबह हो चुकी है पर आज का दिन सही में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि तो अंधेरा, अंधेरा अभी बाहर से रोशनी आ रही है इसलिए कुछ तो दिखाई दे रहा है रात में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला टीवी लाइट माइक्रोवेव का सब यहाँ पर बंद हो चुका है और आपको तो बताइए सुबह सुबह मुझे टीवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आज मैं टीवी नहीं देख सकता क्योंकि मेरे घर की लाइट उड़ गई है तो क्या आज मैं सुबह सुबह टीवी नहीं देख पाऊंगा टी कर देता है तो इसलिए मुझसे बहुत ही गुस्सा है तो मैं उससे टीवी देखने का बात नहीं कर सकता तो मुझे चुप चाप छुप छुप कर जाना पड़ेगा तो चलो यार फटाफट से चलते पड़ोसी के घर के अंदर घुसते हैं चलो फटाफट से चलते

सेंटोस में होने वाला है चैलेंज चैलेंज वो भी इस इस आइलैंड के के लिए अंदर लेवल्स है। अगर उन तीनों लेवल्स को तुमने पार कर लिया तो तुम जीत सकते हो तो ये कदरनाक आइलैंड और ये आइलैंड के साथ मिलेगा कदरनाक सा हेलीकॉप्टर और बहुत सारी गाड़िया और एक प्राइवेट यॉट तो अगर आपको ये आईलैंड चाहिए तो फटाफट से चैलेंज करने आइए टाइम बहुत ही कम है ब्रेकिंग न्यूज पूरी सर अभी, अभी मैंने न्यूज देखी न्यूज पर तो बहुत ज्यादा खतरनाक चैलेंज आ रहा है अगर ये चैलेंज मैंने कर लिया तो मुझे वो खतरनाक सा आइलैंड मिल सकता है उस पर मेरा घर होगा हेलीकॉप्टर प्राइवेट यार्ड बहुत सारी गाड़िया वो भी के बीचों बीच पीछ। ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है मुझे उस चैलेंज में जाना चाहिए चलो फटाफट ऐसी चलते है क्या कर रहा है बोला था ना मेरे घर पर बताना टॉमी अटैक

तो सर, अभी टॉमी ने मेरा पीछा छोड़ दिया है और मैं जा रहा हूँ उस खतरनाक से चैलेंज पर तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आज मैं आइलैंड जीतने वाला हूँ तुम सबका स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में ये होने वाला है तुम्हारा सबसे पहला चैलेंज उस आइलैंड को जीतने के लिए हमारे कंटेस्टेंट है रेड हल्क स्पाइडरमैन ये कुत्ता आयरन मैन और ये एक और कुत्ता अबे मैं कुत्ता नहीं मैं फ्रैंकलिन हूँ मेरा मतलब है फ्रैंकलिन हमारे सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने चैलेंज को शुरू करने वाले मेरे रुक जाओ रुक जाओ मैं थोड़ा सा लेट हो गई। मुझे भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है तुम लेट कैसे हो गयी अरे वो मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही थी ना इसलिए वैसे मेकअप करके तुम बहुत ही अच्छी लगती हो जाओ लाइन में खड़ी हो जाओ चलो चैलेंज को शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन जाना चाहेगा मैं, मैं सबसे पहले

को सारे ऑब्स्टिकल को पार करते हुए जाना पड़ेगा बस मैं बोलने वाला था और ये स्पाइडरमैन गिर गया

स्पाइडरमैन, तुम दो बार गिर चुके हो अगर तुम तीसरी बार गिरे तो तुम हो जाओगे याद रखना। और तो और रूल्स भी भी कि तीन बार से बार से ज़्यादा गिर भी नहीं सकते। स्पाइडरमैन ऑलरेडी दो बार गिर चुका है देखते देख दे, हैं क्या तीसरी बार गिरेगा या फिर ये सीधा चैलेंज कम्प्लीट करने वाला है मैं तो ये से यहाँ से निकलते और ऐसा ये, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक तो है और ये क्या बॉल ने मारी टक्कर अब भारी आयरन मैन की ये चैलेंज तो मेरे लिए बहुत ही है वैसे तो मेरे पास बहुत पैसा है मुझे वो आईलैंड नहीं चाहिए पर मैं नहीं चाहता किसी और को इन गरीबों को वो आईलैंड मिले इसलिए वो छीन के रहूंगा अरे ये आयरन मैन कितना ज्यादा गंदा है इसके पास इतना ज्यादा पैसा है फिर भी ये आयलैंड ये क्या करने वाला है क्या ये चैलेंज कंप्लीट करेगा या फिर ये तीन बार गिर जाएगा या फिर ये ऐसे ही गिर जाएगा वो भी पता चलने वाला है स्पाइडरमैन अपना यहाँ पर गिरा था पहली बार यहाँ पे आयरन मैन तो नहीं गिरा देखते ये क्या गिरेगा की नहीं मैं नहीं गिरने वाला मैं सीधा ये चैलेंज कम्प्लीट करने वाला हूँ

नहीं कर सकता इसलिए मैं बेचूंगा इस कुत्ते को जाओ कुत्ते तो हमारे रैम और से अच्छा कर पाएगा वो अभी बस हमें पता चलने वाला है और ये कुत्ता बाइक तो अच्छा चला रहा है मैंने नहीं सोचा की कभी कुत्ता बाइक भी चला पाएगा पर इसकी बाइक तो बहुत ही अच्छी चल रही है और ये क्या ये तो सीधा नीचे चला गया ये तो वापस से हम

चैलेंज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इजी है और मैं इसको कंप्लीट भी कर सकती हूँ तो सर अभी बारी आ चुकी है वोंडा की देखते हैं वोंडा क्या करने वाली है अब इसने वो कुत्ता ये जिसने क्वालिफाई किया इस चैलेंज को देखते हैं वोंडा क्या करने वाली है क्या ये चैलेंज क्वालिफाई करेगी या फिर ये भी कहीं पर गिर जाएगी स्पाइडर मैन और आयरन मैन की तरह देखते हैं बाबू ने मुझे बिल्कुल ढंग से बाइक सिखाया मैं इस चैलेंज को कम्प्लीट करके दिखाऊंगी

ये भी पहुंचने वाली है फिनिशिंग लाइन पर अब बीच में कोई ऑप्शनल नहीं है बस इसको गाड़ी को आराम से खुदाना है और ये चैलेंज को आराम से कंप्लीट कर लेगी फिनिशिंग और ये बोंडा भी पहुंच गए सीधा फिनिशिंग लाइन पर और यहाँ पर आके गिर गई पर कोई बात नहीं फिनिशिंग लाइन इसने क्रॉस कर ली है Franklin, अब तुम्हारी बारी हैोंडा ने भी ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया और वो लड़ेगी उस साइलेंट के लिए ठीक है अब मेरी बारी आ चुकी है रुक जा देर से पहले मैं जाऊंगा जाऊँगा हल्के चैलेंज को कंप्लीट करेगा अरे ये क्या बात हुई मेरी बारी आई थी ये चीटिंग करके हाइक सामने चला गया देखते है अभी हाइक क्या करने वाला भी चला ही गया तो इसको पहले करने देते हैं तो कैसा

Missing line. Arome. हल्क ने भी डायरेक्ट लैंडिंग कर लिए फिनिशिंग लाइन पर फ्रैंकलिन अब तुम्हारी बारी आ चुकी है उस कुत्ते वोंडा और ने ने तीनों ने चैलेंज कंप्लीट कर दिया अब तुम्हारी बारी देखते दे, क्या तुम उस आइलैंड के लिए कॉम्पीट कर पाओगे या फिर नहीं ये क्या तुम तो पहली बार गिर भी गए अरे ये क्या हो गया अरे कहे सर मैं तो इधर ही गिर गया यहाँ पर तो कोई भी नहीं गिरा था मैं कैसे गिर गया तो कहे सर मेरा पहला गिरने वाला चांस जा चुका है अब अगर मैं दो बार से ज्यादा गिरा तो मैं डिस्कालीफाई हो जाऊंगा तो मुझे बिल्कुल

जाते हुए सीधा फिनिशिंग लाइन की तरफ और फिनिशिंग लाइन आ गया मैं बहुत बढ़िया तुम सभी ने यह चैलेंज कंप्लीट कर लिया फ्रैंकलिन कुत्ते वोंडा और हल तुम जाते हो चारों के चारों अगले चैलेंज में और उस आइलैंड के लिए कॉम्पीट करने के लिए चलो चलते अगले चैलेंज पर और याद रखना अगला चैलेंज बहुत खतरनाक होने वाला है तुम चारों का स्वागत है अगले चैलेंज में इस चैलेंज में होने वाली है खतरनाक सी रेस सारी की सारी गाड़िया रेडी है और हमारे कंटेस्टेंट भी रेडी है तुम चार जनों में से अगले चैलेंज में सिर्फ तीन जने जा सकते हैं इसलिए इस रेस में जो भी फोर्थ नंबर पर आएगा लास्ट आएगा वो ये चैलेंज से डिस्कालीफाई होने वाला है और वो आइलैंड नहीं जीत सकता तो क्या तुम चारों तैयार हो हल तैयार है मैं भी तैयार हूँ तो चलो चैलेंज को शुरू करते हैं तो कायजर अभी फटाफट से, से, का, तो से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते ताकि हम इस रेस को जीत पाए तो अभी मैं चल रहा हूँ तो अभी मेरी पोजिशन फोर्थ में मतलब मैं सबसे ज्यादा पीछे चल रहा हूँ तो मुझे फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को भगाना पड़ेगा तीनों के तीनों मेरे से आगे वो अंडर

कंप्लीट कर ली वोंडा में से थोड़ा सा आगे निकल गई थी पर फिर मैंने लास्ट में स्पीड फुल स्पीड में ये ये चैलेंज कंप्लीट कंप्लीट कर कर लिया और ये रेस भी कर ली है बहुत बढ़िया तुम आए हो फर्स्ट सेकंड पर है वोंडा और थर्ड पर है वो कुत्ता तुम तीनों जाने वाले हो अगले और आखिरी चैलेंज में उस खतरनाक से आयलैंड को जीतने के लिए तुम्हारा स्वागत है आखिरी चैलेंज में तुम तीनों कंटेस्टेंट ये वाला चैलेंज करने वाले हो वो भी इस चाबी के लिए ये चाबी उस आइलैंड के लिए जो भी ये चैलेंज जीतेगा उसको मिलने वाली है ये चाबी और वो आइलैंड उसका हो जाएगा और याद रखना आइलैंड के साथ तुम्हें तुम्हें मिलेगी हेलीकॉप्टर क्रूज शिप सब सब मिलने वाला है बस तुम्हें ये चैलेंज करना होगा अरे पर हमें करना क्या है गुड क्वेश्चन अभी तुम लॉस सेंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर इस बिल्डिंग से तुम्हें जंप करना है तुम्हें जंप करके जाना है जाना है जाना है सामने स्विमिंग पूल के अंदर जो भी स्विमिंग पूल के अंदर लैंड करेगा वो ये आइलैंड जीतने वाला है मैं इस चाबी के साथ उस स्विमिंग पूल पर तुम्हारा वेट करूंगा देखते हैं कौन स्विमिंग पूल तक पहुंचेगा और कौन जाके अपनी हड्डियां जुड़वाएगा चैलेंज को शुरू करो सबसे पहले वोंडा तो कहीं सर मुझे लगता है ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ही ईजी होने वाला है क्योंकि मेरे जो अपोनेंट है वो है एक कुत्ता ये कुत्ता कहाँ से पैराशूट लेके उधर तक पहुंच पाएगा मुझे नहीं लगता और ये वोंडा ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है

होती है डिस्कालीफाई वोंडा तुम स्विमिंग पूल तक नहीं पहुंच पाई देखो देखो मैं पहुंच गई अबे भीड़ी लड़की चुपचाप साइड में खड़ी हो जाए तो मैंने तो बोला था वोंडा कुछ नहीं कर पाएगी अब बारिश कुत्ते की देख

और चैलेंज होगा नहीं कोई चैलेंज नहीं होने वाला वो आइलैंड तुम दोनों के बीच में डिवाइड होने वाला है चलो चलते हैं तुम्हारा स्वागत है ही आइलैंड आइलैंड में से ये तुम दोनों का हुआ जो चाहे कर सकते हो तुम तो गाइस आप देख सकते हो फाइनली हम इस आइलैंड पर आ चुके हैं ये आइलैंड सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और हमारा घर इसमें जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है सबसे पहले आते ही मैंने ये चीज देखी सामने तो पूरा का पूरा पानी है तो ये गाड़िया हम लेके कैसे जाएंगे लॉस एंड में पता नहीं क्यों

मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय